हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम द रेसिपी किचन में मैं आपके लिए मटन के शामी कबाब लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें जो सामान चाहिए, ये आधी किलो मटन है, उसका कीमा हमने कराया था। ये हमने दाल चने की भिगो दी है 1 कप, देख लीजिए। इसको भिगोने से अच्छा जायका आ जाता है। इसके लिए हमने एक आलू लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 5 लौंगे, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। ये प्याज ले रखी है, कुछ लोग इसमें प्याज डालते हैं, मैंने छोटी प्याज ले रखी है। 1 बड़ा गांठ लहसुन की, 1 छोटा अदरक गांठ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, खड़ा धनिया जिसे बोलते हैं, लाल मिर्च 6-7, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक। ये हमने जब हमारा कबाब फ्राई करेंगे तो उसके लिए सरसों का ऑयल लिया, अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और जब हमारा मटन कीमा तैयार इसका हो जाएगा तो हम इसको फिर पीसने के बाद इसको फिर चॉप करेंगे, धनिया, 1 प्याज और हरी मिर्च धो के चॉप करेंगे, फिर हम बनाएंगे। चलिए गाइस, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने वॉश करके रखा था, इसके लिए हमने ये दाल डालेंगे, ये हम सब खड़े मसाले डालेंगे, दो बड़ी इलायची भी डाली है, 1 आलू है, इससे अच्छा रस आ जाता है तो कबाबों में टेस्ट होता है। वॉश करके हम डालेंगे। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे और आप देखिए इसको हम गैस गलने तक, क्योंकि इसको गलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो अब हम इसको हमने कुकर में चढ़ा दिया है और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब हमने इसमें पानी डाल के और इसको अब हम ढककर इसकी लगा देंगे, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा इसका गलने तक। मटन कीमा हमारा गल चुका था, उसके बाद ठंडा करके हमने पीस लिया है। ये चॉप हमने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया कटिंग करके ये अब हम कबाब बना रहे हैं, देख लीजिए। देखिए जी, इसमें कितना गोल्डन कलर आ गया है, देखिए आप खुद देख सकते हैं ये कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अगर आप इसमें ठंडा चाहें फ्राई करते समय तो वो भी डाल सकते हैं। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहें मीडियम तो मीडियम कर सकते हैं। देख लीजिए दोनों तरफ से कलर अच्छे से आ गया है। आप इसको पराठे, रोटी के साथ या ऐसी हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बस अब हम इसको डिश आउट करना है हमें, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इस पे देखिए मटन शामी कबाब बनके तैयार है। देखिए इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसके साथ हरी चटनी, प्याज के लच्छे और नींबू के साथ इसका जायका और भी बढ़ जाता है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी द रेसिपी किचन में, आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।